Good morning, students. Welcome to e-learning classes of Learners Academy English School. Today, I will teach you elements of accounts. So, for our first chapter is accounting and its terminology. So, today we will study about objectives of accounting. First one is permanent records. In accounting, transaction and events are recorded in written form. First of क्या करते हैं हम accounting जो हमारी transactions है events है उसको हम record करते हैं with the form of written form. Orally नहीं but उसको written में लिख के या computer में type करके हम उसको permanent base पे record करते हैं. These records are kept either in the form of books or record in computer on permanent basis. ठीक है उसको हम आइदर हम बुक्स में लिख सकते हैं या फिर उसको कंप्यूटर में भी उसको नोट डाउन कर सकते हैं बट परमानेंट बेस पे. आपने वन टाइम लिख दिया जैसे आप स्कूल में एक फेयर बुक बनाते हो एक रफ बुक बनाते हो क्या करोगे आप इफ स्कूल का होमवर्क रहेगा तो आप क्या करोगे फेयर बुक में लिखोगे बट आपको ऐसे ही कुछ लिखना है तो आप क्या करते हो रफ बुक का यूज करते हो. तो आपके जो अकाउंटिंग में जो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको आप फेयर करोगे परमानेंट बेस पे उसका रिकॉर्ड करोगे आइदर इन बुक और कंप्यूटर. सेकंड वन टू नो द इफेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शंस. ईच ट्रांजैक्शंस हैज इट्स इफेक्ट्स ऑन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस. दिस अकाउंटिंग हेल्प्स इन ऑप्टिंग दिस इंफॉर्मेशन. सो हमें क्या देखना पड़ेगा कि इफेक्ट क्या है ट्रांजेक्शन्स है उसकी इफेक्ट देखनी है वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स के उस वे से आपको प्रॉफिट मिल रहा है या आपके बिजनेस की इकोनॉमिक कंडीशन पता चलेगी कि आपके बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है एक्सपेंस हो रहा है इनकम हो रही है. इफ आपने कुछ गुड्स परचेज किया है इट मीन्स आप कैश किसी को दे रहे हो और गुड्स परचेज कर रहे हो तो ये अभी फिलहाल आपके लिए क्या हो गया वो एक्सपेंस हुआ. ठीक है तो आप पे कर रहे हो तो कैश गोज आउट. ओके तो आपको इफेक्ट पता होनी चाहिए कि वो इफेक्ट कैसे हो रही है. आपने वही गुड्स सेल किया 10% प्रॉफिट लगा के इट मीन्स आपने 2000 का गुड्स परचेस किया है आप 2200 में उसको सेल करते हो 200 जो एक्स्ट्रा आपने लिया है 200 आपको क्या मिला प्रॉफिट. तो आपको ट्रांजेक्शन्स की इफेक्ट पता होनी चाहिए कि कहाँ पे इफेक्ट हो रही है. थर्ड टू न्यू इन्फ्लुएंस फैक्टर्स. The information of factors affecting profit or loss as well as economic condition of the business can be obtained by preparing accounts. This objective plays vital role in the preparation of accounts. It means कि आपके जो objectives है accounting के उसके through आपको क्या पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा कि आपकी कंडीशन क्या है बिजनेस की वो पता चलेगी. जो आपने ट्रांजेक्शन्स की है उसकी इफेक्ट के बेस पे आपके जो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन और बिजनेस की कंडीशन इसके थ्रू हमें पता चल सकती है. फोर्थ टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी. जनरली द टैक्स पेमेंट लायबिलिटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीपेड अकाउंट्स. जनरली क्या होता है कि आप जो टैक्स पे करते हो वो अकाउंट्स के बेस होता है. आपने अकाउंट्स बनाए हैं अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नोट डाउन किए उसके बाद आपको पता चलता है कि आपकी इनकम कितनी है टोटल इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है. द बर्डन ऑफ टैक्स इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर. आपकी जो इनकम है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है. Therefore, the objective to prepare accounts is to determine tax ability. So, उसके थ्रू if आपने अकाउंट्स बनाया है तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपको टैक्स कितना पे करना
पड़ेगा, आपकी लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी कितनी है. फिफ्थ, टू नो साइज ऑफ पेबल. इन बिजनेस द इन प्लेस ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर ऑल्सो मेड. आपको पेबल, पेबल मीन्स कि आपको पे करना है, तो आपको पता चलेगा फर्स्ट ऑफ कि आपके बिजनेस में आप ट्रांजेक्शंस कौन से कर रहे हो. स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था ट्रांजेक्शंस टू टाइप्स के होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन एंड देन क्रेडिट ट्रांजेक्शंस. कैश ट्रांजेक्शन में क्या होता है, ऑन द स्पॉट आप गुड्स या कुछ आइटम परचेस कर रहे हो, उसके बदले कैश पे करते हो. एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन मीन्स आप वो जिससे परचेस कर रहे हो उसको बोलते हो कि थोड़े टाइम बाद मैं पे करूंगा, या थोड़े दिन बाद, थोड़े मंथ बाद. फॉर एग्जाम्पल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, हाउ एवर दिस पेमेंट इज टू बी मेड इन फ्यूचर. आपने कोई रॉ मटेरियल परचेस किया है ऑन क्रेडिट, मतलब आपने उधार खरीदा है, दिस पेमेंट इज टू बी मेड इन फ्यूचर. क्या करोगे आप कि उसको फ्यूचर में पे करने वाले हो. टिल नॉन पेमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी. इफ आपने उसको पे नहीं किया है तो आप क्या, वो लायबिलिटी हो गई कि इन फ्यूचर आपको पे तो करना ही पड़ेगा. एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज द क्वांटम ऑफ लायबिलिटी कैन बी असर्टेन फ्रॉम अकाउंट्स. अभी एंड ऑफ द ईयर आपको पता करना है कि आपके ऐसे कितनी लायबिलिटीज है जिसको आपको पे करना बाकी है. तो अकाउंट्स अब जब प्रिपेयर करोगे तो आपको उसके बेस पर आपको लायबिलिटी पता चल जाएगी. सिक्स, टू नो क्वांटम ऑफ रिसीवेबल. जैसे पेबल था, अब आया रिसीवेबल. रिसीवेबल मीन्स आप रिसीव करते हो, किसी से लेते हो. लाइक क्रेडिट परचेस, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कस्टमर्स. इफ आप बिजनेस कर रहे हो तो क्या होता है, आप किसी को गुड्स सेल करते हो. पेबल में क्या था, आप परचेस कर रहे थे, इट मीन्स आपको पे करना बाकी था. अब आप सेल कर रहे हो कस्टमर्स को, तो आपके लिए वो कस्टमर्स है और आपको उनसे पैसे लेने, रिसीव करने हैं. दिस अमाउंट इज रिसीवेबल इन द फ्यूचर. आपने किसी को गुड्स सेल कर दिए, वो अमाउंट आपको रिसीव होगी इन फ्यूचर. अंटिल द नॉन रिसीप्ट ऑफ दिस अमाउंट इट इज शोन इन द बुक्स एज अ रिसीवेबल. दिस इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अकाउंट्स. अब आपने जो नॉन रिसीप्ट, मतलब नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, उसको आपने अमाउंट को बुक में रिसीवेबल के अंडर में दिखाओगे. सो ये इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट्स में मिल जाएगी. इफ आप अकाउंट्स बनाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी उधारी बाकी है, मतलब किसी से कितने पैसे लेने बाकी है. लेना मीन्स रिसीव, तो आपके रिसीवेबल पता चल जाएंगे कि कितने क्वांटिटी में है. सेवन, टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस. द सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स इज टू मेजर ऑन प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस फॉर रिस्पेक्टिव पीरियड. The measurement of profitability is made available by accounting. अब second and third वाले objective में हमें पता चला कि हमें profit हो रहा है या loss. It means कि आपको transactions के बारे में पता चल रहा था, economic condition पता चल रही थी कि आपके यहाँ पे business में ज्यादा loss हो रहा है या profit हो रहा है. But आप profitability measure कैसे करोगे, ओवरऑल पूरा अकाउंट्स को देखते, मीन्स कि आप एंड ऑफ द ईयर पता चलेगा आपको कि आपके बिजनेस के अंदर टोटली कितना प्रॉफिट हुआ है और लॉस. सो अकाउंट्स आप प्रिपेयर करते हो, उसका मेजरमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगी प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स कि प्रॉफिट और लॉस कोई भी हो सकता है. एट, टू नो इकोनॉमिक स्टेटस of the business. At the end of the year, what is the size of liabilities, assets and receivable of the business can be seen from the accounts under accounting system. अब क्या होगा, last end of the year
आपको साइज पता चलेगी लायबिलिटीज की, एसेट्स की, रिसीवेबल्स की, आपको किसको कितने पे करने हैं, किसी से कितने पैसे लेने हैं, आपके पास मिल्कतें कितनी है, एसेट्स मीन्स मिल्कतें, आपके पास एसेट्स कितनी है, तो उसको आप देखोगे अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर कि उसकी साइज कितनी है, कितनी क्वांटिटी में, मतलब कितने रुपीज आपके पेंडिंग है, कितने को पे करना है, कितने से लेना है. देन assets and receivables are more than liability. It can be said that it is a good economic conditions. If आपके assets and receivable ज़्यादा है किससे, liability से, it means आपको जितने पैसे pay करने हैं उससे ज़्यादा आपको receive होने बाकी है, या फिर आपकी उतने की assets है, तो उसकी वजह से आपको क्या पता चलेगा कि आपका business है वो उसकी condition कैसी है, good conditions. So economic condition which is known as a solvency can be shown from the accounts. तो आपको उससे पता चलेगा कि आपने जो business start किया है वो अच्छा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है. 9th, to detect and avoid errors and frauds. By investigating prepared accounts, financial mistakes of crimes can be traced out. Accounting helps to prevent such kinds of events. Accounting maintains indirect control to avoid errors and frauds. अभी देखो लास्ट में आपको क्या बोला है कि अकाउंटिंग आपका बन गया, आपको गुड बैड conditions, प्रॉफिट लॉस सब पता चल गया. बट जब आप अकाउंटिंग करोगे तब आपको इन्वेस्ट करोगे, प्रिपेयर करोगे अकाउंट, तो आपकी फाइनेंशियल मिस्टेक्स पता चलेगी, कहीं पे कौन सा कोई क्राइम फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, तो वो आप डिटेक्ट कर सकते हो उसको. फिर आप क्या करोगे, एक बार मिस्टेक हुई बट बार बार तो वो मिस्टेक होने नहीं दोगे, तो आप उसको अवॉइड करोगे एरर्स को, फ्रॉड जो हो रहा है उसके सामने, मतलब आप उसके स्टेप्स लोगे, ठीक है, वो क्राइम दूसरी बार नहीं हो, वो फ्रॉड आपके साथ रिपीट नहीं हो, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाए. आपने अकाउंटिंग की तो आपको पता चला कि आपके साथ कुछ तो फ्रॉड हो रहा है, तो ये सब की वजह से क्या होगा, अकाउंटिंग करोगे तो उस वजह से आपके फ्रॉड्स कम हो जाएंगे, आपके जो बिजनेस के अंदर कुछ गलत हो रहा है तो उसके सामने आप स्टेप ले सकोगे और उसको सेव कर सकोगे. थैंक यू.